सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, ये आज के वीडियो में होने वाला है गोल्ड शॉट 245 का पूरा रिव्यू करेंगे, जिसमें आपको टाइमिंग, पोजीशन और किस टाइप की बॉल को कनेक्ट करता है, किस पोजीशन पे कनेक्ट करता है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। गाइज, ये शॉट है 245 जो कि गोल्ड शॉट है। 8 गोल्ड फ्रेगमेंट को यूज करके शॉट को परचेज करना होता है। तो गाइज, अगर हमने पहले से शॉट को परचेज करके रखा है, काफ़ी बंदों का रिक्वेस्ट है, तो भाई रिक्वेस्ट को भाई पूरा करना हमारा काम ही है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये शॉट जो है वो आपको 7 o'clock पे बस फ्रंट फुट पे मिलता है। इस बात का एकदम ध्यान रखना कि जो शॉट है वो 7 o'clock पे बस फ्रंट फुट पे मिलता है 245। बैक फुट पे तलाश करोगे नहीं मिलेगा, ठीक है। 245 आपको फ्रंट फुट पे मिलेगा। हर एक टाइप के बैट्समैन के लिए ये शॉट अवेलेबल है फ्रंट फुट पे, ठीक है। आगे गाइज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे आपके तगड़े तगड़े शॉट्स की रिव्यू मिलती है। ऊपर से गाइज आपके डिमांड के ऊपर वीडियो बनता है। तो गाइज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जल्द आपकी भाई कमेंट जल्दी से जल्दी पीको और जल्दी से जल्दी रिव्यू आए। तो भाई सपोर्ट जरूर करना। फिलहाल चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से भाई इसकी लेंथ, मतलब किस किस लेंथ को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। एकदम प्रॉपर तरीके से बताएंगे। देखो, स्विंग बॉल हमने डाली है यॉर्क लेंथ पे, आसानी से कनेक्ट किया, आपके सामने प्रूफ हम रख रहे हैं, देखो मल्टीप्लेयर के अंदर, ठीक है। चलो गाइज इस बार यहाँ पे देखते हैं हम भाई, ये बॉल देखो ऑफ स्पिन है भाई, यहाँ पे आसानी से इसको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। आप देखो कैरम बॉल, देखो बहुत लोगों को डाउट होता है कैरम बॉल नहीं कनेक्ट करता है, लेकिन आपके सामने देख सकते हो कि कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से खेलोगे तो कनेक्शन बनेगा, अच्छे से नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। वहीं यहाँ पे फुल लेंथ पे बॉल है, उसको भी आसानी से कनेक्ट कर लिया, यानी कि गुड लेंथ तक भाई सारे टाइप के बॉल को कनेक्ट करता है, गुगली को छोड़ करके, ठीक है। स्पिनर की बात करें तो अब पोजिशन जरूर देख लेते हैं। बॉल अंदर आए तो 2 स्टेप की हमने डिस्टेंस रखी, एकदम बल्ले के बीच में बॉल आई है और आसानी से आपको 6 रन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब बॉल अंदर आए 2 स्टेप का डिस्टेंस रखना, बॉल बाहर जाए बॉल के लाइन में रह के खेलना, ठीक है। बिल्कुल देख लो भाई अच्छे तरीके से कितने दूर जा रही है ना भाई, देखो। वहीं बॉल अगर स्ट्रेट रहे तो 1 स्टेप की ही डिस्टेंस रखनी है, फिर खेल देनी है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से कनेक्शन का मसला नहीं होगा, ठीक है। चलो अब टाइमिंग देख लेते हैं गाइस। हालांकि टाइमिंग तो मैं बार बार वहीं पे बताता हूँ कि प्रैक्टिस के ऊपर है, लेकिन हिंट्स दे देते हैं भाई ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर भाई आप फास्ट मीडियम बॉलर की बिल्कुल धीमी गति की गेंद हो तो हाफ पिच पे बॉल को खेलना है, ठीक है। जब हाफ पिच पे बॉल चली जाए फिर उस टाइम आप फ्रंट फुट पे प्रेस करना, देखो कितनी दूर गई है बॉल 6 रनों के लिए। वहीं अगर फुल स्पीड में बॉल हो तो हाथ से गेंद थोड़ी सी रिलीज हो जाती है, उसके बाद आपको शॉट खेलना है, ठीक है। थोड़ी सी गेंद रिलीज होती है उसके बाद शॉट खेलना है। ये शॉट हल्की सी लेट है, ठीक है, हल्की सी लेट है, अर्ली नहीं, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। वहीं स्पिनर बिल्कुल धीमी गति की ऑफ स्पिन गेंद करता है, तो भाई पिचिंग से हल्की पहले, एकदम देखो कितना पहले, देखो थोड़ा सा पहले खेलना है, देख लो प्रॉपर टाइम कर दोगे। अगर फुल स्पीड में होगी तो हाफ पीस से थोड़ा सा आगे बॉल जाएगी, तब आपको खेलना है। तो भाई शॉट की हमने टोटली रिव्यू कर दिया है। कैरम दूसरा को आसानी से कनेक्ट करता है, एक बार अच्छे से सुन लो कि कैरम दूसरा को कनेक्ट करता है, ठीक है, गुड लेंथ पे, गुगली को छोड़ के हर एक टाइप की बॉल के स्पिनर को कनेक्ट करता है, और आई बटलर के स्विंग बॉल को भी ये शॉट कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छे से खेलोगे तो, अर्ली खेलोगे तब, ठीक है। तो गाइस फाइनली शॉट का हमने रिव्यू कंप्लीट कर दी। बस वहीं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लो, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिलता रहे।